नमस्कार, मैं ज्योति अपना लाइफ डॉट न्यूज से अपना हेल्थ के कार्यक्रम की चौथी कड़ी में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आज बैठी हूँ पटना शहर के वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह के पास, और आज हम लोग जानेंगे इनसे मानसिक रोगों के बारे में। आजकल जो लोग ज़्यादातर युवा मानसिक रोग से पीड़ित होकर बहुत सारे गलत कदम उठा रहे हैं, इनके कारण क्या है, लक्षण क्या है और उपाय क्या है। डॉक्टर साहब, आपका अपना हेल्थ कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, आज हम लोग आपसे जानेंगे कि मानसिक रोग जो कहते हैं लोग, जो युवा पीढ़ी में आजकल बहुत पाए जा रहे हैं, बहुत चल रहा है युवा पीढ़ी में ये, जिसकी वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं या फिर कुछ और भी गलत सारे काम कर रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? मानसिक स्वास्थ्य का जो विषय है, एक बहुत ही विशाल विषय है। वस्तुतः अगर देखा जाए तो मनुष्य मूलतः एक मानसिक ऑर्गेनिज्म है, एक मेंटल ऑर्गेनिज्म है, जबकि ज़्यादातर ध्यान हमारा मनुष्य के शरीर पे होता है, लेकिन मूलतः मनुष्य एक मानसिक इकाई है और इसको साइकोसोमैटिक यूनिटी कहते हैं। तो और ये जो विषय है मानसिक स्वास्थ्य का जो विषय है, इसको थोड़ा दूसरे ढंग से हम लोग देखें। जब हम टोटल हेल्थ की बात करते हैं तो टोटल हेल्थ में सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं आता है, मानसिक स्वास्थ्य आता है, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, ये सभी WHO के हिसाब से टोटल हेल्थ के अलग अलग अवयव और हिस्से हैं। अक्सर ऐसा होता है जब हम स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की ओर होता है, मानसिक स्वास्थ्य पर हम ध्यान नहीं देते हैं, जबकि मानसिक स्वास्थ्य का महत्व शारीरिक स्वास्थ्य से कम तो नहीं ही है, कहीं अधिक ही है। और मेरा मानना है कि मानसिक स्वास्थ्य ही मनुष्य के सभी स्वास्थ्य के आयामों की जननी है, मदर ऑफ ऑल हेल्थ। जब मनुष्य का मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, वो शारीरिक स्वास्थ्य उसका ठीक रहेगा, उसका सामाजिक संबंध उसके ठीक रहेंगे, उसके आध्यात्मिक संबंध ठीक रहेंगे। और अगर इसकी क्वांटिटी के बारे में देखेंगे कि समाज में, आम जनता में मानसिक रोगों का प्रतिशत क्या है, तो ये संख्या भी बहुत विशाल है। 10% पूरे समाज के लोग किसी न किसी प्रकार के मानसिक रोग से किसी भी एक समय में ग्रसित होते हैं। इस प्रकार बिहार के लिए ये 1 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या है, जबकि हमारे यहाँ उसकी चिकित्सा करने वालों की संख्या, मनोचिकित्सक हैं जो, वो उनकी संख्या मुश्किल से 60 या 70 है। तो मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है मनुष्य के अपने विकास के लिए, अपने सभी कार्यों के लिए, आपसी संबंध के लिए, परिवार के लिए। और मानसिक स्वास्थ्य अगर व्यक्ति सुरक्षित नहीं रख पाता है तो वो अनेक प्रकार की परेशानियों में पड़ जाता है। और मानसिक रोग मानसिक स्वास्थ्य के अभाव का एक प्रकार हुआ। और मानसिक रोग हम तब कहते हैं कि कोई व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रसित तब है जब उसमें ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं, उसकी सोच में, उसके व्यवहार में, उसकी अनुभूतियों में ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं जिससे उसे अत्यधिक कष्ट होता है, जिसे हम डिस्ट्रेस कहते हैं, या वो डिसफंक्शनल हो जाता है अपने जो उसके उसका जो रोल है, उसकी जो क्रियाएं हैं, उससे जो अपेक्षित बातें हैं जो उसको करना है वो नहीं कर पाता है, या उस उन लक्षणों के कारण उसकी आयु कम होने की संभावना हो जाती है। आयु कम होने की संभावना की एक चर्चा आपने की, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या का जो प्रतिशत है धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये बहुत चिंताजनक बात है। और किशोरों में, युवाओं में इसके बढ़ने का जो दर है वो अन्य उम्र के लोगों की तुलना में ज़्यादा है, ये भी बहुत ही चिंता की बात है। इस पर पूरे समाज को ध्यान देने की आवश्यकता है। और आत्महत्या के सबसे बड़े कारणों में मानसिक रोग एक कारण है। जितनी भी आत्महत्याएं होती हैं उसमें करीब 80 से 90% लोग किसी न किसी मानसिक रोग से ग्रसित होते हैं। इसलिए मानसिक रोग के बारे में जानकारी बढ़ाना, अवेयरनेस बढ़ाना, लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना, ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये एक उपेक्षित क्षेत्र है।
उपेक्षित क्षेत्र समाज ही में नहीं है, उपेक्षित क्षेत्र मेडिकल फ्रेटर्निटी में भी एक उपेक्षित क्षेत्र है। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप जो बोले मानसिक रोग, इसका सबसे बड़ा एक कारण है, तो सर जो मानसिक रोग होता है आजकल के किशोरों में हो या फिर युवाओं में हो या फिर जो एज में होते हैं, मतलब आफ्टर 50 हो या 60 हो, तो उन सब में जो मानसिक रोग होते हैं वो किन किन प्रकार के रोग होते हैं, उनका मतलब आप नाम बता सकते हैं हमें? तो बता सकते हैं। पहली बात तो है कि मानसिक रोग सिर्फ युवाओं किशोरों में नहीं होता है, मानसिक रोग बच्चों में भी होता है, 5 साल के बच्चे में हो सकता है, 10 साल के बच्चे में हो सकता है, यंग एडल्ट्स में हो सकता है, 20-30 साल के लोगों में हो सकता है, हर उम्र के लोग में और पुरुष और महिला दोनों में मानसिक रोग पाए जाते हैं, और संभवतः वो थोड़ा बहुत बढ़ रहा है आजकल, लेकिन हमेशा से ये रहा है। जमाने से जब इतनी जागरूकता नहीं, इतना लोग मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक रोग पर ध्यान नहीं देते थे, उस समय भी मानसिक रोग हुआ करते थे। तो मानसिक रोग कब कहेंगे, इसकी चर्चा हमने की। मानसिक रोगों का जब नाम लेंगे तो उसमें एक प्रमुख कैटेगरी होगा जिसको हम लोग साइकोटिक इलनेस कहते हैं, जिसमें कि उस व्यक्ति की यथार्थ को परखने पहचानने की जो क्षमता होती है वो बाधित हो जाती है। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया, एक दूसरी बीमारी है जिसका नाम है डिप्रेशन, तीसरी बीमारी है जिसका नाम है बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, चौथी बीमारी है जिसको एक सामूहिक रूप में एंजाइटी डिसऑर्डर्स कह सकते हैं, इसी तरह एक और बीमारी होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये नींद से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं अनेक प्रकार की, भूख से संबंधित अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, सेक्स की अभिव्यक्ति या उसके उससे जुड़े व्यवहारों के संबंध की बीमारियां हो सकती हैं, आपसी सामंजस्य की बीमारी होती है जिसको हम एडजस्टमेंट डिसऑर्डर कहते हैं, उसके बाद पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होती हैं जिसमें उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में ही कुछ इस प्रकार की खामियां या एंगुलैरिटीज़ होती हैं जिसके कारण वो समाज में एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो अनेकों प्रकार की बीमारियां होती हैं और उस सबसे ज़्यादा व्यक्ति अपने मानसिक जो उसके गुण हैं या जो कमियां हैं या जो परेशानियां हैं उससे उसका दैनिक जीवन प्रभावित होता है, उससे उसका पूरा परिवार प्रभावित होता है, उससे पूरा समाज प्रभावित होता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इन बीमारियों, मानसिक बीमारियों के संबंध में सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। सुरक्षा क्या कह रहे हैं सर? बोल रहे थे कि जैसे कि यंग एज में आप देख रहे हैं आजकल ज़्यादातर, मान लीजिए कि बच्चों में जो होता है मानसिक बीमारी वो दूसरे तरीके का होता है, वो जानलेवा नहीं होता है या फिर दूसरों के लिए हानिकारक नहीं होगा, उतना नहीं हो पाएगा इफेक्टिव। लेकिन जो यंग एज में अभी हो रहे हैं, जैसे कि कोई पढ़ाई की वजह से आत्महत्या कर रहा है, वो डिप्रेशन में जा रहा है, या फिर कोई लव लाइफ हो या फिर फैमिली हो या फिर दोस्तों का हो या फिर जो बाहरी समाज जैसे हम लोग कहते हैं उनसे जो रिलेटेड हो के जो वो गलत काम कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, दूसरे को हार्म कर रहे हैं या फिर फैमिली मेंबर को हार्म कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहते हैं? मतलब उन सब जो रोग उसमें जो वो युवा पीढ़ी में यंग एज में जो वो पाया जाता है उसके लिए आपके क्या कहना है? बस इतना है ना कि क्योंकि देखिए अभी जब हम 50 या 40 एज में हो जाते हैं तो हम लोग खुद को थोड़ा बहुत संभाल लेते हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है, हम लोगों को उस टाइम समझ में आ जाता है कि ये गलत है ये सही है। लेकिन जो यंग पीढ़ी होती है उनको ना समझ में नहीं आता है, वो चाहते हैं जल्दी से रिएक्शन करके उस चीज़ को काम करके ख़त्म कर दें। तो फिर उस बारे में है कि हम यंग को इस चीज़ से कैसे अवेयर करें कि वो मानसिक रोग से अपना बचाव खुद कर सकते, किसी डॉक्टर से मिलने से पहले वो अपने आप को कंट्रोल कर ले, ये जानना था बस। इसका जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप छोटे बच्चों की आपने चर्चा की, कहा कि वो जानलेवा नहीं होते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ये जो डिवेलपमेंट का जो फेज़ है वो सबसे महत्वपूर्ण पीरियड है, क्योंकि इसी पीरियड में भविष्य की नींव डाली जा रही होती है, इसी पीरियड में उसके मन का सांचा गढ़ा जा रहा होता है, और जिस सांचे में वो गढ़ा जाएगा वैसा ही वो किशोर या पूर्ण युवा के रूप में सामने समाज में आएगा। इसलिए वो पीरियड उतना ही महत्वपूर्ण है। जिस पीरियड की आप चर्चा कर रही हैं, किशोरों की चर्चा, वो उसका कारण एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि समाज की जो सामूहिक जिम्मेदारी है इन छोटे बच्चों में डिसिप्लिन डालने की, उस सामूहिक जिम्मेदारी से समाज कहीं ना कहीं पीछे रह रहा है,
वो नहीं डाल पा रहा है। माता पिता की जो जिम्मेदारियां हैं वो किसी न किसी कारण से वो बहुत अच्छी तरह वो नहीं निभा पा रहे हैं। इस कारण जो है जो डिसिप्लिन, बाहरी डिसिप्लिन का महत्व क्या होता है, बाहरी डिसिप्लिन का महत्व है कोई इंटरनल डिसिप्लिन डेवलप करे। तो जब बाहर से आप डिसिप्लिन डाल ही नहीं पाइएगा अनेक कारणों से, सामाजिक मूल्य व्यवस्थाएँ बदल रही हैं, बहुत सारे बैरियर्स चेंज कर रहे हैं, सेंस ऑफ जो इंडिविजुअलिटी है, व्यक्तित्ववाद जो है वो बदल रहा है, तो ये एक, इसको मैं एक पूरे सामाजिक फेलियर, सोशल फेलियर के रूप में देखता हूँ, जो एक लक्षण के रूप में किशोरों के अनियंत्रित व्यवहार के रूप में परिलक्षित हो रहा है। ये पूरे समाज का एक फेलियर है। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जो हम नहीं निभा पा रहे हैं, या समय से पहले जितनी स्वतंत्रता हम अपने छोटे बच्चों को दे पा रहे हैं, जिस समय वो उसको जिम्मेदारी से हैंडल करने के लिए सक्षम नहीं है, उस समय जो जो स्वतंत्रता उनको मिल रही है, ये एक बहुत विशाल विषय, सिर्फ एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी नहीं है, एक किशोर की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो कैसे व्यवहार करे, उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप तो 18 साल के पहले उसको सारा राइट्स भी नहीं देते हैं, 18 साल के पहले आप मानते हैं कि पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, निर्णय लेने के नहीं है, तो इसके तो फिर किसकी जिम्मेदारी है, उसके उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो समाज में जो अथॉरिटी फिगर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उसकी जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं सब कोई सामूहिक रूप से फेल कर रहे हैं, इसलिए ये सारे लक्षण हमारे समाज में दिखाई पड़ रहे हैं। सर, लेकिन कई बार देखा गया है कि जैसे समाज भी हो, पेरेंट्स भी हो, वो अपने बच्चों में, अपने समाज के बच्चों में उनका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा हो, लेकिन उनमें जब देखा जाता है तो अधिकतर उनमें ही ये बीमारी पाई जाती है, तो फिर इसका क्या कारण है कि जब आपका सब कुछ सही है? ठीक है, इसका कारण सबको मिल बैठ के सोचना है, लेकिन उसका एक कारण ये है कि उनके अपने जीवन में उनके अपने पेरेंट्स का जो महत्व होना चाहिए, उनके अपने पेरेंट्स की जो अथॉरिटी पहले समाज उनको देती थी, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही है। आज जो छोटे बच्चे हैं पेरेंट्स की बात ना मान के इंटरनेट में जो जाके पढ़ लेते हैं उसको ज़्यादा सही मानते हैं। तो ये जो दायरा है, व्यक्तित्व का दायरा जिस पे सबका नियंत्रण नहीं है, वो ये पेरेंट्स के बाहर भी बहुत सारे पेरेंट्स उसको प्रभावित कर रहे हैं, जहाँ पे जबकि उसका अपना विवेक उतना भी विकसित नहीं है, सही और गलत का निर्णय अभी उसके पास उतना नहीं है, फिर भी उसको इतनी स्वतंत्रता इंटरनेट के माध्यम से मिल रही है, जहाँ पे भटकने और ब्लू व्हेल जैसी घटनाएं होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए सिर्फ पेरेंट्स को, उसके अपने पेरेंट्स को हम नहीं ब्लेम कर सकते। अच्छा, हर एक पेरेंट को समाज ने तो कमज़ोर कर दिया है, पेरेंट्स को तो कानूनी रूप में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, हर एक व्यक्ति को प्राप्त है, एक छोटे बच्चे को अधिकार प्राप्त है, अगर आप छोटे बच्चे को कुछ कर दिए पूरी पुलिस दौड़ती भी चली जाएगी, पूरी सामाजिक व्यवस्था आपके पीछे चली जाएगी, लेकिन एक इसीलिए परिवार टूट रहा है। समाज में एक व्यवस्थित रूप से पेरेंट्स को या परिवार को कानूनी ढंग से मजबूत किए जाने की आवश्यकता है, तभी वे अपने बच्चों को नियंत्रित कर पाएंगे। मानसिक रोग परिलक्षित होती है व्यवहार से, वाणी से, विचार से, सोच से परिलक्षित होती है, वो हमेशा कोई एक कपड़े की तरह है, या कोई फैशन की तरह है, या जब मानसिक रोग का लक्षण क्या होता है फिर? मानसिक रोग का लक्षण, जैसा पहले भी हमने चर्चा किया कि मानसिक रोग किसी व्यक्ति को कहेंगे तभी कि वो मानसिक रोग से ग्रसित है, जब उसके विचार और व्यवहार में धीरे धीरे या अचानक ऐसा परिवर्तन आ जाता है जो जिसके कारण वो अपनी देखभाल नहीं कर पाता है, दूसरों के साथ उसका व्यवहार जो अपेक्षित व्यवहार है वो नहीं हो पाता है, या उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बेचैनी होती है, या जो दैनिक उसकी जिम्मेदारियां हैं, जो रोल है उसके उम्र का या उस जगह का से रिलेटेड जो रोल है वो नहीं निभा पाता है, इन सब चीज़ों को मिला जुला कर हम जब ये एक क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा हो जाता है तब कहते हैं कि वो मानसिक रोग से ग्रसित है। ऐसा नहीं हो, उसको मानसिक रोग को समझने के लिए शारीरिक रोग को समझने का जो हमारा नज़रिया है उससे बाहर निकलना होगा। चमड़े पे अगर उजला दाग है आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये बीमारी है, लेकिन ऐसा कुछ भी मानसिक रोग के क्षेत्र में नहीं है, या कोई ऐसी जांच भी नहीं होती है कि आपने ब्लड शुगर करा लिया या लिपिड करा लिया या ट्यूबरक्लोसिस का कीटाणु का कल्चर करा लिया तो आप पता चल जाता है। ये एक कलेक्टिव ग्लोबल जजमेंट होता है किसी व्यक्ति के सोच और व्यवहार में आए परिवर्तन को एक नाम देने का, और ये ऐसा कभी ऐसा नहीं होता है कि ये यहाँ मानसिक रोग है यहाँ नहीं है, हमेशा ये ग्रेडेड
फिनोमेना समाज में दिखाई पड़ता है, और जब वही ग्रेडेड फिनोमेना जब एक क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा हो जाता है, जब वो अपनी और देखभाल नहीं कर पाता, सामाजिक जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाता, तब हम कहते हैं कि वो मानसिक रोग से ग्रसित है और इसको कुछ मदद की ज़रूरत है। तो सर इसका बचाव क्या है कि मान लीजिए अगर कोई मानसिक रोग से ग्रसित है तो वो किस तरह का अपना बचाव कर सकते हैं, या फिर जो नहीं भी हैं वो अपनी बचाव कैसे करेंगे? बहुत सारे कुछ हम कर सकते हैं, कुछ हम नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मानसिक रोग के कारणों में एक जेनेटिक कारण भी है, तो अगर जेनेटिक कारण है तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मानसिक रोग के एक कारण में शारीरिक बीमारी भी है, कई बार शारीरिक बीमारी के कारण मानसिक रोग होता है, तो अगर किसी शारीरिक बीमारी के कारण मानसिक रोग, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ हम कर सकते हैं, जैसे कि नशा एक कारण है, तो नशे से बचाव के जितने भी उपाय किए जाने चाहिए वो किए जाने चाहिए। तनाव एक कारण है, तो तनाव से बचने के जितने भी उपाय किए जाने संभव है वो किए जाने चाहिए। अभी समाज में कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं कि चारों ओर तनाव ही तनाव है, उसके बहुत सारे कारण हैं। तनाव मुक्त जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। आज से 100 साल, 1000 साल, 500 साल पहले भी तनाव हुआ करता था, लेकिन वो दूसरे प्रकार का तनाव हुआ करता था। तो तनाव जो है कि जो कुछ अप्रत्याशित चीज़ें जीवन में आ जाती हैं, वो उसी वही तनाव है। अभी क्या हो रहा है कि हम खोज कर अपने लिए अपने जीवन में तनाव ला रहे हैं। संभावनाएं जीवन में इतनी हो गई हैं, जैसे तेज़ गति है, तेज गति से चलने की संभावना है, तो वही बहुत सारी दुर्घटनाओं का भी कारण है। तो और जीवन की जटिलता इतनी ज़्यादा हो गई है, संभावनाएं इतनी ज़्यादा हो गई हैं, परिवार इतना कमज़ोर हो गया है, एक जगह रहने की, एक दूसरे से मदद करने का जो एक संस्कृति थी वो उसमें कमी आ गई है। तो कुल मिला के तनाव कैसे कम रखें, ये जीवन को तनाव मैनेजमेंट या स्ट्रेस मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, तनाव प्रबंधन, उसके बारे में हर व्यक्ति को जानना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जीवन में सब कुछ हम एक साथ नहीं पा सकते हैं। अगर सब कुछ एक साथ पाने की कोशिश करेंगे तो तनाव होगा ही होगा, उसमें फिर हमको ये सीखना होगा और इस बारे में अपने को आश्वस्त करना होगा कि कहाँ हमको कहना है नो, नो कहने की कला जो है, कहाँ पे रुकना है। हम एक चैनल देख सकते हैं, हम 10 चैनल नहीं देख सकते, तो कहाँ नो करना है। हम एक दोस्त बना सकते हैं, 5 दोस्त को संभाल सकते हैं, 1000 दोस्त को नहीं संभाल सकते हैं। तो तनाव हमने अपने आप लिए खुद पैदा किया है। तो ये सीखना होगा कि कैसे हम तनाव को मिनिमम लेवल पे अपने जीवन में रखें, जीवन के जो कि अपनी जो दिनचर्या है, अपनी दिनचर्या को नियमित करें। अच्छा भोजन, संतुलित भोजन बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। अभी की एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है कि कम से कम जिस किशोरों और युवाओं की बात आप कर रही थी, वो कभी समय पे सोते ही नहीं है। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे से पहले वो सोते ही नहीं हैं, तो जो प्रकृति का जो नियम है उसके विरुद्ध काम करते हैं, तो ये अपने आप शरीर को के लिए तनाव पैदा करता है और बीमारी पैदा करता है। तो दिनचर्या नियमित होनी चाहिए, समय पे सोना चाहिए, भोजन संतुलित होना चाहिए, समय पे होना चाहिए। उसके बाद और जो तनाव कम करने की विधियां हैं, जैसे संगीत है, एक्सरसाइज है, पूजा पाठ है, आध्यात्मिक जो संबल है, इन सब चीज़ों का भी सहारा लेना चाहिए अपने जीवन में तनाव को कम करने के लिए। और जहाँ भी रहें, आपसी जो वातावरण है उसको सद्भावपूर्ण रखें, सब कोई मिलजुल कर रहें और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहें, टाइम मैनेजमेंट सीखें। अभी के समय में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है, तनाव प्रबंधन और समय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है, नियमित जीवन, एक्सरसाइज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सरसाइज का सिर्फ शारीरिक प्रभाव नहीं पड़ता है, ये व्यायाम का मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत महत्वपूर्ण उसका असर है। इनफैक्ट डिप्रेशन के एक इलाज में से भी है ये एक्सरसाइज। तो सर इसका जो ट्रीटमेंट है वो किस प्रकार चलता है और कितनी अवधि तक चलता है? ट्रीटमेंट तो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग प्रकार की होंगी, अलग अलग अवधि के लिए चलेगी, वो निर्भर करेगा किस व्यक्ति को किस प्रकार की बीमारी है। जैसे कि मान लेते हैं डिप्रेशन, उसका जो ट्रीटमेंट है वो उसकी अवधि? डिप्रेशन जितने प्रकार के मानसिक रोग हैं उसमें डिप्रेशन एक सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही
कॉमन और सबसे अच्छी तरह ट्रीट किया जा सकने वाला बीमारी है। इस संदर्भ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मनुष्य जितने प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो सकता है उसकी सूची में अभी डिप्रेशन का दूसरा स्थान है जहाँ तक डिप्रेशन के प्रभाव की बात है। और WHO का अनुमान है कि 2030 तक डिप्रेशन नंबर वन स्थान पे चले जाएगा सारी बीमारियों के लिस्ट में, जिसमें हार्ट की भी बीमारियां, मधुमेह भी है, रक्तचाप भी, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब मिला करके डिप्रेशन नंबर वन पे रहेगा बीमारी के लिस्ट में उसके दुष्प्रभाव के आधार पे। और लेकिन अच्छी बात यह है कि डिप्रेशन का इलाज ज़्यादातर काफ़ी कारगर होता है। तो डिप्रेशन के इलाज के लिए जब हल्की फुल्की डिप्रेशन के भी कई स्तर हो सकते हैं, माइल्ड मॉडरेट, तो डिप्रेशन का नंबर वन पे जाने का क्या कारण है? कारण अब वैसे तो कारण नहीं कह सकते हैं, जो पूरे समाज में जो परिवर्तन आ रहा है, जो पूरे विश्व में परिवर्तन आ रहा है, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रही हैं, जो कल्चरल चेंजेस हो रही हैं, जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, सारी चीज़ों को मिलाकर के हर एक चीज़ का उतना विश्लेषण तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन है और इससे यही परिलक्षित होता है कि मानसिक प्रभाव अभी के समाज में बहुत नेगेटिव प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो है उसके जो साथ जो कल्चरल चेंजेस हो रहे हैं, जो परिवार वीक हो रहा है, जो आदमी अकेला हो रहा है, इन सब के कारण संभवतः डिप्रेशन नंबर एक पे जा रहा है। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये सब तो मानसिक रोगों के बारे में बात हो गई, तो आप अभी जो लोग हैं, मतलब हमारे साथ जो जितने भी लोग जुड़े हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो जो बच्चे हैं जो नहीं अब तक ग्रसित हुए इन सब रोगों से, वो अपना बचाव कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने आप को उस रोग से दूर रख सकते हैं? इस संबंध में तो बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, और जहाँ तक बच्चों की आपने चर्चा की, उसमें एक बात तो मैं ये कही, अपने जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, जो विश्वासी परिजन हैं, उनकी बात भी ज़रूर सुने। उनका जिंदगी का अनुभव उनकी तुलना में ज़्यादा है, और रियल वर्ल्ड को ज़्यादा महत्व दें वर्चुअल वर्ल्ड की तुलना में। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है। आजकल हो ये रहा है कि सबका जो अटेंशन है वो वर्चुअल वर्ल्ड की ओर ज़्यादा जा रहा है, जबकि रहना हमें रियल वर्ल्ड में है। रियल वर्ल्ड में ही हमें चोट लगती है, वर्चुअल वर्ल्ड में कुछ से कुछ हो सकता है, सब आभासी होता है। तो वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच में हम रियल वर्ल्ड को चुने, और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम रियल वर्ल्ड को इतना सुंदर बनाएं, इतना आकर्षक बनाएं, इतना सौहार्दपूर्ण बनाएं कि लोगों का वर्चुअल वर्ल्ड की ओर अटेंशन जाना कम हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। अभी इलेक्शन का समय है, इलेक्शन में भी सब वर्चुअल वर्ल्ड में भी डूबे हुए हैं। जैसे लगता है कि वर्चुअल वर्ल्ड ने रियल वर्ल्ड को हावी पर उसके हावी है उसको एनगल्फ कर लिया है। रियल वर्ल्ड पर भरोसा करें। वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ जाने का एक महत्वपूर्ण कारण है, उसको बहुत आकर्षक बनाया जाता है, क्योंकि बहुत कृत्रिम होता है, बहुत आभासी होता है, किसी भी वहाँ पर कुछ भी आप बना सकते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में वैसा नहीं कर सकते। तो अभी रियल वर्ल्ड को वर्चुअल वर्ल्ड से कम्पीट करना है। तो रियल वर्ल्ड में जो अधिकार के पद पर जो लोग हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि रियल वर्ल्ड को इतना सुंदर, आकर्षक और सौहार्दपूर्ण बनाएं कि बड़ों का ही नहीं, बच्चों का भी ध्यान वर्चुअल वर्ल्ड की ओर नहीं जाए। ये एक बहुत पूर्ण मैसेज है जो मैं अभी आपके माध्यम से देना चाहूँगा। थैंक यू। जैसा कि हम लोग अभी आज देख रहे थे, डॉक्टर PK सिंह से मनोचिकित्सा, उनका कहना है कि हमें मानसिक रोग से बचने के लिए आजकल हमें रियल वर्ल्ड को चूज़ करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, पेरेंट्स, समाज या बच्चे सबको एक साथ सामंजस्य बना के रखना चाहिए। मैं आशा करूँगी आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और पसंद आए तो अपना लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।